अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज है 10वीं सहरी, तो आज की तैयारी स्टार्ट है सहरी की। और आज मैं बना रही हूँ सहरी में मटन कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले मैंने इधर ले लिया है मटन, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास मिक्स मटन का गोश्त रखा हुआ है। इसमें तो बकरे का गोश्त है ये, जिसमें नली भी है, चांपे और हड्डियाँ, गोश्त वगैरह सब है। ये मेरे पास 1.5 किलो गोश्त पड़ा हुआ है। साथ ही में मेरे पास है 1 किलो टमाटर, जिसे मैंने धो के भिसे सिर्फ 2 कर लिए हैं और कुछ भी नहीं करा। 1.5 किलो गोश्त में हम 1 किलो टमाटर डालेंगे, और साथ में जो मसाले ऐड होंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, अदरक है 1 खाने चम्मच, लहसुन है, साथ ही में कुटी मिर्च है 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर आता है काली मिर्च का ही आता है। तो बहुत मज़े की बनेगी कढ़ाई, और नमक हंसबे जाएगा, और हरी मिर्च एंड में डालेंगे हम। अच्छा, इसमें जो तीखापन और तेज़ी आती है ना, चटपटा जो लगता है, वो हरी मिर्चों की वजह से लगता है, छोटी हरी मिर्च से। बड़ी हरी मिर्च यूज़ मत करिएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है तो आप बड़ी यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटी यूज़ करी, मेरे पास आप देख रहे हैं 8 से 10 हरी मिर्चें पड़ी हैं छोटी वाली। पकाने की तरफ आते हैं। मैंने तो एक कढ़ाई ले ली, जिसमें 1 कप मैंने तेल डाल दिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपना मटन, बकरे का गोश्त, जितना भी सारा ऐड कर दूंगी मैं। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो ये मेरे पास 1 खाने चम्मच अदरक है, 1 खाने चम्मच लहसुन का पेस्ट है, इसे ऐड कर दूंगी मैं। और इस पर मैं मज़ीद 5 मिनट तक भूनूंगी तेल में। तेज़ आँच तक भूनेंगे, जैसे में क्योंकि मटन की जो स्मेल होती है, हल्की सी हिंग जो होती है, वो ख़त्म हो जाएगी भूनने से। ये देखिए मैं अभी भूनती जा रही हूँ, वाइट होने पर आ गया, तो थोड़ा और भूनूंगी मैं तेल में और अदरक लहसुन के पेस्ट में। ये देखिए मज़ीद 5 मिनट हो गए मेरे पास, मैं भूनती जा रही हूँ। और इसमें जो लाल पनता गोश्त का जो कलर होता है, वो हट गया, वाइट हो गया हमारा गोश्त। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं टमाटर, मेरे पास 1 किलो टमाटर है, जिसके बीच से 2 करे मैं बस। इसे भी मैं अब इसमें थोड़े 5 मिनट तक भूनूंगी, फिर इसे ढक के रख दूँगी गलने के लिए। अब इसे हम भूनेंगे। भूनेंगे सब। देखिए मजीद ये पकने पर रख दिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 गिलास पानी और ढक के रख दूंगी। देखिए 1 गिलास मैंने डाल दिया पानी, अब इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट तक, तब तक हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। देखिए इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला था, हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें मजीद पानी, लेकिन अब इसमें मसाले ऐड कर दूंगी मैं। इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च, ऐड कर दूंगी, सही है, साथ ही में इसमें ऐड कर दूंगी मैं छोटी भी मिर्चें। थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इसकी भुनाई के वक्त ख़त्म हो जाएगा। ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद मिर्च, सही है। और इसको हम काली मिर्च थोड़ी एंड में ऐड करेंगे, हम अभी नहीं। इसको हम साथ में भुनेंगे इसके साथ तेज़ आँच पे, जो इसका पानी है वो खुशक हो जाए। और जो टमाटर है, इसको इस तरह चमचे मार मार के हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। अब मैंने तेज़ आँच कर दी है इसकी, अब इसकी भुनाई पे आ गई हूँ मैं। जैसे इसकी भुनाई होती है, आपको बताती हूँ मैं कितना टाइम लगा। ये मसाले हमने, मिर्ची हमने भी थोड़े पानी में इसलिए डाली, क्योंकि हमारी मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये सॉफ्ट हो जाए तो बहुत जूसी बन जाती है और बहुत मज़े की लगती है। देखिए मैंने लेमन के स्लाइस भी काट लिए हैं, क्यों, और ये काली मिर्च, लेमन के स्लाइस और नमक की हम थोड़ा एंड में ऐड करेंगे। अभी देखा हमारी कढ़ाई का कितना अच्छा कलर आ रहा है, भुनाई आती जा रही है, तरी ऊपर आती जा रही है इसकी। इसमें हमने कोई हल्दी यूज़ नहीं करी, कोई लाल मसाले यूज़ नहीं करा है, और बहुत मज़े की वाइट खूबसूरत सी कढ़ाई बनती है। क्योंकि अगर हम गोश्त की भी, बीफ की भी, और मटन की भी कढ़ाई जिससे बनाए, तो फ़र्क तो कुछ होना चाहिए। तो ये मेरा थोड़ा अलग स्टाइल है मटन बनाने का, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। देखिए हमारी तरी ऊपर आ गई गोश्त की, मटन की। अब इसमें नमक ऐड कर दूँगी हंसबे जायका, थोड़ी काली मिर्च ऐड कर दूँगी, सिर्फ थोड़ी सी बचाऊंगी एंड ऊपर से छिड़कने के लिए। बाकी सारी काली मिर्च ऐड कर देंगे हम। अब इसमें ऐड कर दूंगी लेमन की स्लाइस, अब इसे करेंगे थोड़े मिक्स, और 5 मिनट इसको हल्की आंच पे ढक के मैं पकाऊंगी।
कि हमारा जो मस्जिद जो है, देखिए हमारी साइड टमाटर हर चुके हैं, बहुत मज़ेदार कढ़ाई रेडी है हमारी। देखिए हमारी कितनी मज़े की कढ़ाई रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी है। हमारा मटन भी गल चुका है और कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसे हम है ना कढ़ाई में सर्व करेंगे। ये थी कढ़ाई, इसमें मैं निकालूंगी कढ़ाई, मटन कढ़ाई, और इसमें सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमने कढ़ाई में निकाल लिया, कितने मज़े की लग रही है। अब इसमें हम थोड़ी काली मिर्च ऊपर से ऐड करेंगे, थोड़ा हरा धनिया, बाकी ये लेमन की स्लाइस। जी रेडी है मेरे स्टाइल से मटन कढ़ाई की रेसिपी, बहुत मज़े की बनी है, आप देख सकते हैं, और कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे स्टाइल से, रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाई मटन कढ़ाई की रेसिपी है। और अगर आपको मेरा चैनल की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, इससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।